और अब बात स्वाति मालीवाल मामले की करेंगे, जिसमें विभव कुमार का मोबाइल डेटा रिकवर करने की कोशिश अब भी जारी है। दिल्ली पुलिस विभव को लेकर मुंबई गई है और इधर दिल्ली में इस पर राजनीति तेज है। एलजी वीके सक्सेना ने स्वाति मालीवाल से फोन पर बातचीत की तो आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब साफ हो गया है कि स्वाति मालीवाल किसकी तरफ है। क्या स्वाति को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? स्वाति से बातचीत के बाद एलजी ने कहा कि सीएम आवास पर घटना जो हुई है वो शर्मनाक है। ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा बहुत साल पहले स्वाति मालीवाल जी कहीं रात में एक मेन रोड पे खड़ी थी और उसमें एक आदमी ने इनको अपनी कार में खींचने की कोशिश की। इन्होंने ट्वीट भी किया, वीडियो भी डाले। दिल्ली पुलिस ने कुछ किया? दिल्ली पुलिस ने SIT बनाई? दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा? कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी मजाक और बना रही थी, जितने भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आज बोल रहे हैं, इन सब ने स्वाति मालीवाल का मजाक उड़ाया। आज इस मामले में रोज खबर आ रही है कि आज विभव कुमार को वहां ले जाएंगे, आज सीएम खर के घर जाएंगे, आज मुंबई लेके जाएंगे, आज SIT बना दी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस जो है और चार चार बड़े अफसर जो हैं बयान लेने स्वाति जी के घर जा रहे हैं। ये सब क्या है? 3 दिन बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर, उससे पहले पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक ये TV पे अखबारों में जो चल रहा है, क्या स्वाति जी को समझ में नहीं आ रहा? क्या वो राजनीति समझ नहीं रही है? वहीं दिल्ली के सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट पर अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से गिर गए हैं। बीजेपी केजरीवाल पर चौतरफा हमला बोल रही है। कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रोड शो के दौरान आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर कहा कि मामले को डाइवर्ट करना केजरीवाल की आदत है। जेपी नड्डा जी, जिस तरीके का सैलाब उमड़ा है, क्या आपको लगता है अब की बार भी साथ में से साथ पार? देखिए, मुझे सारे देश में और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरफा मन बनाया है लोगों ने, और वो वन साइडेड है। इसलिए मुझे स्पष्ट दिखता है कि देश में भी हम 370+ जाएंगे बीजेपी और 400 हम क्रॉस करेंगे NDA के रूप में, और अभी हम पांचों फेज में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। और पहले दौर में वो परास्त हुए थे, अब वो परास्त हो चुके हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। और दिल्ली की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब की बार 400 पार? दूसरी तरफ है विपक्ष, खास तौर से अरविंद केजरीवाल, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार स्वाति मालीवाल का नाम लेती है क्योंकि वो घबरा गई है। ऐसा है कि केजरीवाल जी के जीवन के दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, उनका दोहरा चरित्र, और दोहरा चरित्र के साथ साथ जो वो उन्होंने किया उसके बिल्कुल विपरीत किया है, और दूसरा कि वो हमेशा डाइवर्ट करते हैं इश्यूज को। अब आप देखिए, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो राजनीति में आए। मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, राजनीतिक दल बनाया। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। कहा मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम आवास के एक बहन के ऊपर जुल्म ढाया गया है, और केजरीवाल ने लफ्ज भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि बिना लोक लार्ज के ना समाज चल सकता है ना ही लोकतंत्र। मैं तो सचमुच मैं भी एक राज्य का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। मैं कभी कल्पना नहीं करता था जो व्यक्ति कहता था चुनाव लड़ने के पहले मुख्यमंत्री बनूंगा, तो मैं कोई किसी मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहूंगा, अपने घरों में रहूंगा। इतना बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति, और एक शीश महल तैयार करा लिया, और उस शीश महल में एक बहन के ऊपर जुल्म ढाया गया, लात घूसों से मारा गया। और जैसा हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी बतला रहे थे, एक लफ्ज वह व्यक्ति आज तक नहीं बोला। और मैंने देखा उनके जिस निजी सचिव ने उस बहन के ऊपर लात घूसे चलाए हैं, मारे हैं,
वहां से कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल के साथ हमारे लखनऊ यहां से मैं चुनाव लड़ता हूं वहां घूम रहा था। बहनों भाइयों, मनुष्य के जिंदगी में हया, लाज, शर्म बहुत बड़ा स्थान होता है। बिना लोकलाज के, बिना लोकलाज के न तो परिवार चल सकता है, बिना लोकलाज के न समाज चल सकता है, न बिना लोकलाज के लोकतंत्र चल सकता है। मेरे बहन भाई अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, जिस तरीके से विभव ने अपना फोन फॉर्मेट किया, अब डेटा रिकवरी की कोशिश की जा रही है, क्या डेटा इस तरीके से रिकवर हो पाएगा, उसमें कुछ अहम निकल के सामने आएगा या फिर नहीं? देखिए नेहा, जो डेटा रिकवरी है उसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस विभव को मुंबई लेकर गई है, इस वजह से कि पुलिस को ये जानकारी मिली है कि विभव के कुछ और मददगार हो सकते हैं जिन्होंने फोन फॉर्मेट करने में विभव की मदद की। उसके अलावा और भी बहुत सी चीजों में जब FIR दर्ज हुआ था उसके लिए विभव की मदद थी, इसलिए मुंबई दिल्ली पुलिस की टीम लेकर गई है। जो सूत्र है वो बताते हैं कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कल विभव को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम गई थी, लगातार वहां पर जांच की जा रही है और बहुत मुमकिन है आज देर शाम या कल सुबह वापस विभव को लेकर जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो आ सकती है। लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यह भी दावा है कि विभव जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो कई सवाल ऐसे हैं जिसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जो फोन डेटा है दिल्ली पुलिस उसी पर निर्भर है और उसके अलावा जो CCTV फुटेज का डंप डेटा लिया है, DVR लिया है दिल्ली पुलिस ने, उसको भी खंगाला जा रहा है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की बिल्कुल नहीं बनती, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।